हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक डिजाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम ले ली है। इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई भी है 10.5 इंच। तो ये हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। नीचे की तरफ हमने 7.5 इंच पे मार्क किया है। और अब हम ये जो मार्किंग की है इसे आपस में मिला देंगे इसके लिए इंच टेप की सहायता से, और एक चौकोर बॉक्स टाइप बना लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह मार्क करेंगे और लाइन को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स टाइप बना लेंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब इसमें हम राउंड शेप देंगे और 1-1 इंच बाहर की तरफ इंच टेप रखते हुए मार्क करेंगे और इसे लाइन अप कर देंगे। तो ये हमने लाइन अप कर दिया है। दूसरी तरफ भी हम इसे लाइन अप करेंगे। बाहर की तरफ 1-1 इंच ये हमने दूसरी तरफ भी लाइन अप कर लिया है। एक तरफ से हमने गोल किया है और एक तरफ हम ड्रॉप बनाएंगे। तो ये हमने हार्ड पेपर लिया है थोड़ा सा 5 इंच लंबा, और अब हम इसमें 3.5 इंच 3.25 इंच का ड्रॉप बनाएंगे। एक इंच चौड़ाई में हमने 3 इंच लंबाई में 3.25 इंच लंबाई में हमने ड्रॉप बना लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। और साइड से इस तरह रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये ड्रॉप हम अलग रख लेंगे कागज का, और हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे खोलते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम को अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। अब जो हमने अंदर मार्किंग की है नेक की, उसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा बुकरम को और उसे अलग कर देंगे। तो ये नेक डिजाइन कट के हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने दूसरा बुकरम लिया है, इस पे भी हम इस तरह ड्रॉप मार्क करते हुए कट कर लेंगे। ये हमने दूसरी बुकरम पे ड्रॉप मार्क करके कट कर लिया है। अब अंदर की साइड ड्रॉप जो ये कागज वाली थी इसके 1.25 इंच छोड़ते हुए एक अंदर की तरफ ड्रॉप बनाएंगे और कागज को कट कर देंगे। आप चाहे तो ये ड्रॉप बड़ा भी बना सकते हैं। अब ये बीच से हमें जो मैंने ड्रॉप बुकरम पे कट किया था उस पे भी हम इस तरह मार्क करते हुए बीच से कट कर देंगे।
अब हम इस नेक डिजाइन को और ड्रॉप को कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो ये हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे, उस पर रखते हुए बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे। ये हमें सिलाई चला करके कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई चला ली है और सिलाई हमें टेढ़ी नहीं चलानी है, बिल्कुल एकदम जैसे जैसे बुकरम पेस्ट हुई है उसके किनारे किनारे चलानी है। तो ये हमारे सिलाई चल के कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये हमने कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसे सीधा करके प्रेस कर लेंगे और जो हमने ड्रॉप कट किया था उसे इस तरह रखते हुए हमें सिलाई चला लेनी है किनारे किनारे। ये सिलाई चला करके हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको बीच से कट करेंगे और कट के मार्क करते हुए इसे सीधा करके प्रेस कर लेंगे। तो हम इसे हमने इस तरह सीधा करके प्रेस कर लेना है। और ये हमने एक लंबा कपड़ा लिया है 1.25 इंच चौड़ा, इसे हम इस तरह दोनों तरफ से फोल्ड करके सीधी सिलाई चला के एक डोरी टाइप बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमने डोरी पे सिलाई चला ली है। अब हम धागा कट करके ये 3-3 इंच की हमने डोरी कट कर ली है और डोरियों को ऐसे तिरछा रखते हुए ड्रॉप के अंदर की तरफ हमें किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है डोरी रखते हुए। और इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजीली डिजाइन है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। ये हमने सिलाई चला करके डोरी लगा के कंप्लीट कर लिया है। धागा को कट कर देंगे। अब हमने उसी डोरी से छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं 1-1 इंच के और उन्हें फोल्ड करते हुए बाहर की साइड अटैच करते हुए हम सिलाई चला करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको अच्छी अच्छी कटिंग्स व डिजाइन मिलते रहें। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया है और अब धागा को कट कर देंगे। और ये हमने 2 इंच चौड़ा और एक कपड़ा लिया है और इसे हम दोनों तरफ से फोल्ड करके सीधी सिलाई चला लेंगे और एक डोरी टाइप बनाएंगे। फ्रेंड्स, किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपका धन्यवाद अदा कर सकें। ये हमारी डोरी बन चुकी है। अब डोरी को हम इस तरह ज्वाइंट करते हुए नेक डिजाइन पे सिलाई चलाते हुए ज्वाइंट करेंगे। ये हमने सिलाई चला करके
डोरी को ज्वाइंट कर लिया है नेक में। अब हम एक लेस लेंगे और इस तरह लगाते हुए किनारे किनारे सीधी सिलाई चला लेंगे। लेस को लगाते हुए ये मैंने लेस लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पे मोती और बटन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार मेरा नेक डिजाइन बना है। तो आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। धन्यवाद।